मंडी बाउलदीन से मोहम्मद रशीद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के इजलास, डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद अफजल, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड उजमा मजहर वड़ाइच, मेंबर्स कमेटी मेडिसिन डॉक्टर कफायत रसूल, डॉक्टर अरशद तनवीर समेत मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में कल 18 मेडिकल स्टोर्स के केसेस पेश किए गए, जिन पर बगैर लाइसेंस, बगैर वारंटी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात रखने और अद्वियात का रिकॉर्ड न रखने पर जैसे इल्जाम थे। अजलास में तमाम मेडिकल स्टोर्स मालकान को अपनी सफाई पेश करने का फर्दन फर्दन मौका दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने 12 मेडिकल स्टोर्स मालकान के खिलाफ मुकदमात ड्रग कोर्ट भेज दिए और 4 मेडिकल स्टोर्स को वार्निंग, 2 मेडिकल स्टोर्स को डीसेल करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क ने वाजिया किया कि क्वालिफाइड शख्स के बगैर मेडिकल स्टोर्स या क्लिनिक का काम नहीं कर सकता। मेडिकल स्टोर्स मालकान को इस बात पर पाबंद किया जाए कि वो हसास अद्वियात को रेफ्रिजरेटर में महफूज रखें, वो अद्वियात की खरीदो फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड और वारंटी जरूर रखें।